हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो ये सवेरे के क्लिप है, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी सुबह का ये फलारी, क्योंकि उनको स्कूल जाना था। तो बस यहाँ पे मैंने देसी घी डाला और मखाना भून रही थी, और रात में मैंने भिगा दिया था साबूदाना उसकी खिचड़ी बनाने के लिए जो है। तो बस हमारा यहाँ पे मखाना भून गया था, उसके बाद मैंने डाला कढ़ैया में फिर से देसी घी और फिर मूँगफली भूंज रही थी। तो हमने कहा चलो भून देते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह चले जाते हैं और फिर वही 4-5 बजे आते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको कुछ फलारी बना के दे देते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग व्रत हैं। तो यहाँ पर मेरा मखाना मूँगफली दोनों भून गया था। तो बस यहाँ पर मैंने रात में भिगा दिया था साबूदाना, तो उसकी मैं बना रही थी खिचड़ी, और इतनी खिली खिली खिचड़ी बनी थी ना कि क्या बताएं। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया कढ़ैया में देसी घी, और थोड़ा देसी घी ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा रहता है ना तो क्या होता है, बहुत अच्छे से वो मतलब चिपकती नहीं, खिली खिली बनती है। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया मिर्चा, और इसमें थी काली मिर्च, तो बस इतने ही कुछ डालूँगी। और बहुत से लोग आलू भी डाल के बनाते हैं, पर हमारे हस्बैंड आलू नहीं खाते हैं, तो मैंने आलू नहीं बनाया था। बस केवल सिंपल मतलब यही जीरा मिर्चा काली मिर्च से मतलब छौंका लगाने के बाद, तो फिर मैंने साबूदाना डाल दिया था जो है। और सच में ना बहुत टेस्टी भी लगता है और पेट भी भर जाता है जो है। और हम लोग व्रत में सेंधा नमक खाते हैं हमेशा, नवरात्रि में खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते, पर हम लोग सेंधा नमक खाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा देखिए जीरा और मिर्चा मतलब अच्छे से ये चटकने लगे, हो जाए जीरा, तभी फिर मैं साबूदाना को इसमें डालूंगी जो है। मैंने कहा चलो सवेरे सवेरे पहले ये फलारी बना देते हैं, नहीं तो फिर गैस तीखा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा हो गया था, तो मैंने डाल दिया था साबूदाना, फिर उसके बाद डाल दिया मूँगफली, और आप लोग देख रहे होंगे ना कितनी अलग अलग खिली खिली मतलब ये खिचड़ी बनी हुई है, एक भी साबूदाना चिपका नहीं था एक दूसरे से, और खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी थी। इन्हें तो बहुत अच्छा लगा था, सच में तो बड़ा ज़ोरदार था उनका। अच्छा, तो बस हमने टिफ़िन पैक करके दे दिया था। आप सभी को ट्रेन से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो बस अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हो गई, पूजा की हूँ, पूजा करने के बाद जस्ट अभी किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने चाय, और मॉर्निंग में मैं बनाई हूँ अपने हस्बैंड के लिए साबूदाने की आज तहरी बना दी हूँ, और मखाना मूँगफली भून दी हूँ मैंने, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सैर किया है, तो बस वो लेकर के चले गए, और रात की दही रखी थी उसको भी दे दिया। और बना रही हूँ सिर्फ दो लोगों के लिए खाना, जैसा कि मैंने बताया बच्चे मेरे अपना बाहर पढ़ने चले गए हैं, तो आज मैं बनाई हूँ मूंग की दाल, वो देखिए, और इधर मेरी बन गई है दलिया। तो बस थोड़ा सा ही दो लोगों के लिए खाना बनाना था, तो हमने कहा चलो अभी क्या शेयर करूँ इसको, है ना, तो हमने कहा चलिए बता देते हैं। आज मॉर्निंग में मेरे सास ससुर के लिए यही बना है मूंग की दाल और दलिया, और अभी बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मूंग की दाल से वो सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो ये ले ली हूँ लहसुन, तो लहसुन अभी छील करके लहसुन और हींग से छौंक दूँगी। तो बस मेरी पूजा वूजा हो गई है, मैंने कहा चाय चढ़ा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ जो है, और आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तो अभी मैंने पूजा वूजा कर लिया है। रात शाम के समय सोच रही हूँ माता रानी को दूध की खीर बना करके चढ़ाऊँगी शाम के समय, तो अभी तो मैंने किशमिश वगैरह का भोग लगा दिया है, माता रानी की पूजा कर रही है। तो और धूप अच्छी हो रखी है, और मौसम ना अब चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है। और कल पता है मैं अनानास का जूस पी ली थी ना, तो मेरे यहाँ सब मतलब जकड़ गया था पूरा जो है, मुझे खट्टी चीज़ें बहुत नुकसान करती है, नींबू है, मौसमी है, संतरा है, इस तरह की चीज़ें जहाँ मैं पी लेती हूँ ना, जहाँ तुरंत तो मुझे जकड़न, मेरे शरीर में जैसे ब्लड में नाच जाता है उसी तरीके से मुझे नुकसान हो जाता, मैं तुरंत जान गई। वही मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा आज भी लेके आए थे, क्योंकि वो डेली ही पीते हैं, मुझसे कहे पीना है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पीना, अभी कल ही मैं पी ली हूँ, तो मुझको पता नहीं अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे जो ठंडी आती है ना मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है, मेरी हाथ पैर ये सब ना जकड़ने मतलब जकड़ते हैं, मतलब ऐसे कोई पेनफुल नहीं, जब जकड़ जाता है ना तो बहुत दर्द होता है जो है, और फिर हाथ वगैरह मूवमेंट ऐसे नहीं हो पाता, घुटना वगैरह में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मैं माता रानी से कह रही हूँ, माँ मुझे स्वस्थ रखना, ठीक रखना, मुझे ऐसी दिक्कतें मत देना, बस हाथ पैर से सही सलामत रखना, कि मैं हर तरह की जिम्मेदारी को कर सकूँ, और बच्चे बाहर पढ़ने लिखने गए हैं तो वो पढ़े लिखे, हमारी यहाँ चिंता ना करें। तो चलिए ठीक है, मैं लहसुन छौंक देती हूँ, और अभी हमारी सास नहाई भी नहीं है, और मैं और मेरी सास कल बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आप लोग को भेज देती हूँ थोड़ी सी क्लिप, बाहर बैठे थे बतिया रहे थे, तो गप सब हमने कहा चलो भेज देते हैं। तो अभी वो नहाई भी नहीं है, बाहर बैठी है, अभी नाश्ता वगैरह कर चुकी है,
तो अभी कह रही थी तो हमने कहा पहले मुझे पूजा उजा कर लेंगे फिर तुम नहाओ। तो अभी बैठे हुए हैं सास ससुर दोनों लोग बात कर रहे हैं। चलिए जी मैं लहसुन छीन ले फिर आपसे मिलते हैं, तब के लिए बाय। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज माता रानी का तीसरा दिन है और माता रानी सब पर कृपा अपनी बरसाए जो है, और जो भी भूल चूक हो उनके बच्चों से उसको क्षमा करके उनके घर में खुशियां दे करके जाए। तो मैं भी माता रानी के चरणों में यही मांगती हूँ कि माता रानी मेरे भी बच्चों पर और हमारे घर पर कृपा बरसाए और खुशियाँ दे करके जाए, बस यही हमारी मनोकामना है। तो आज तीसरा दिन है, तो अभी सुबह आप लोगों ने देखा मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों से रूटीन शेयर किया है, जैसा कि मैं और मेरे हस्बैंड 2 दिन का व्रत हैं और हमारे सास ससुर हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे चले गए हैं बाहर, कॉलेज उनके खुल गए, पढ़ने लिखने चले गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा खाना बनाते हैं। तो वही हमने कहा क्या शेयर करें, जो वो कहते हैं वही मैं बनाती हूँ थोड़ा। तो इस समय थोड़ा सा रूटीन अभी नहीं है, गड़बड़ाया है, तो कोई बात नहीं। हाँ, फलारी वगैरह जो बनता है मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। सुबह हमने बनाया था साबूदाने का जो है खिचड़ी और मूंगफली मखाना भूंजा था और दही वगैरह थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया क्योंकि उनको स्कूल जाना रहता है तो थोड़ा सा वो खा लेंगे, क्योंकि आदमी है ना, हम औरतें तो चाय वगैरह 2-3 बार पी लेते हैं, हम लोगों का चल जाता है, पर जेंट्स हैं तो इधर उधर उनको रहना पड़ता है, थोड़ा दिमागी काम करना पड़ता है, इसलिए उनको थोड़ा सा खाना बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी सारे काम हो गए हैं, कपड़े पड़े थे उसको मैंने धो के डाल दिया है, बस अभी मैं बैठ गई हूँ। मैंने कहा चलिए पहले आप लोगों से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा ही आप लोगों से बात किया था, उसके बाद टाइम नहीं मिला, मैंने कहा चलिए अभी बात कर लेते। और इस बार जो है चतुर्थी और पंचमी एक ही दिन पड़ रही है, 8 दिन का नवरात्र है, तो अभी देखिए आज तो नहीं जाएंगे, हम सोच रहे हैं कुछ खिला कन्याओं को कुछ खिलाना पिलाना के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सोमवार को मंडे को, अभी सोच रही हूँ कि मंडे को ही खिला पिला दूँ जो है, तो अभी देखते हैं, मार्केट भी जाना है। मैंने कहा अब आज नहीं जाएंगे, कल संडे है, हस्बैंड हमारे घर में रहेंगे तो कल मैं निकल जाऊँगी, तो सामान वामान सब ले आऊँगी जो है, और अब चढ़ाने उढ़ाने का सब कल ही ले करके आऊँगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा जाने का, फिर दशहरा है और हमारे तरफ इधर दुर्गा जी सस्ती हैं, जगह जगह सड़क में तो बहुत भीड़ भड़क्कड़ रहती है, तो अकेले तो जाने लायक नहीं है। और आज धूप बहुत तेज़ हो रखी है और आज मेरा यहाँ थोड़ा सा दांत दर्द कर रहा है, मैंने 2 साल पहले यहाँ का ये अकलदाड़ जो होती है ना वो निकल रही थी तो मैंने खुड़वा दिया था, तो आज ये देखिए स्वेलिंग है, पता नहीं कुछ लग गया है क्या है, अंदर से सूज आया है, तो इधर से कोई चीज़ खाते नहीं बन रहा, दर्द कर रहा है, तो अभी देखती हूँ अभी आएंगे तो इनसे हम पॉक्सिन मंगाऊँगी तो फिर खाऊँगी जो है। और बस सारे काम हो गए हैं, फिर मैंने कहा चलिए आपसे बात कर लें, फिर कुछ खाते पीते हैं जो है। और सब त्योहारों का सीजन अब शुरू हो गया है जो है, इसके बाद करवा चौथ है, दीपावली है, सारे त्यौहार ही त्यौहार हैं, है ना। तो चलिए आप लोग अच्छे से अपना त्यौहार मनाइए, पहले नवरात्र माता रानी को अच्छे से खुशी से उनकी पूजा पाठ करिए, खूब अच्छे से रखिए उनको, क्योंकि वो हमारे घर पे हैं, है ना। और उसके बाद दशहरा मनाइए, दीपावली मनाइए, करवा चौथ है उसके पहले हम लेडीजों का, तो अच्छे से सेलिब्रेट करें, माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाएँ। तो चलिए ठीक है, और आपको आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आपको मेरी फैमिली की तरफ से थैंक यू। और चलिए ठीक है, अभी रखते हैं और हम भी कुछ थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से चाय वाय वही थोड़े से खिचड़ी लेकर के खाए थे, अभी सोच रहे हैं फल वगैरह लेके खा लेते हैं, और थोड़ी सी हमारी साबूदाने की कल रात में हमने बनाया था थोड़ी सी खीर भी रखी है, मैंने कहा चलो वही खा लेंगे, पेट भर जाता है, भूख तो नहीं लगती, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत खा लेते हैं जो है। और मैं नमक खा लेती हूँ, क्योंकि बिना नमक के हमको क्या होता है ना, हमें घर के काम भी करने पड़ते हैं, जिम्मेदारी देखनी पड़ती है, तो थोड़ा सा वीकनेस आने लगती है, इसलिए खाते हैं सेंधा नमक खाते हैं जो है। सुबह टाइम में फलारी टाइप का कर लेते हैं, शाम के समय कुछ ना कुछ बना लेते हैं, तो इसी तरह फिर माता रानी की कृपा होती है, ज़्यादा कुछ भूख नहीं लगती। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, इवनिंग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आप लोगों को 9 दिन व्रत हूँ तो छोटे छोटे आप लोगों को देवी गीत सुनाया करूँगी, तो ठीक है रखते हैं तब तक के लिए बाय बाय।
इवनिंग, कैसे आप चलो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी शाम का टाइम है, बज रहे हैं 6 और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने दूध। और यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ, देखिए, आलू गोभी अपने सास ससुर के लिए। कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें, मसाला आयल कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। और यहाँ पे काट लिया है लहसुन मिर्चा अदरक। तो बस अभी थोड़ा सा मैं गोभी को करूँगी फ्राई, क्योंकि मुझे बनानी है सूखी भुजिया टाइप की बनानी है जो है। और हम अपने लोग के लिए बनाएंगे, ये देखिए, ये रखी है 2 लौकी। लौकी को उबालेंगे, उसमें जीरा भुजा और थोड़ा सा सेंधा नमक मिर्चा डाल करके बस यही खाएंगे। तो चलिए ठीक है, पहले इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ गोभी को। और फ्राई करने से क्या होता है, थोड़ा सा सोंधापन हो जाता है। और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही बनाऊंगी। ज़्यादा जगह मैंने बताया है, हम लोग प्रति हैं केवल 400 के लिए खाना बनता है। और बच्चे दोनों बाहर हैं पढ़ने के लिए, तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं जो है। और हाँ, और चतुर्थी पंचमी बहुत से लोग बोल रहे हैं आज है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कल है, ये भी कंफ्यूज है, कुछ पता नहीं चल रहा। पर कोई बात नहीं, एक दिन मतलब नवरात्र जो है 2 8 दिन का है ही, चाहे कल चौथी पंचमी हो चाहे आज चौथी पंचमी हो। तो आज मैं यही बनाऊंगी, आलू गोभी की सूखी सब्जी और रोटी। और दूध रख दिया है पकने के लिए, तो अभी हम चलते हैं लौकी व्रत के लिए। लौकी को छीलूंगी, उबालूंगी और उसमें डालूंगी जीरा भूंजा, मिर्चा भूंजा और सेंधा नमक। यही हम खाते हैं, अच्छा लगता है, पेट भी भर जाता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। कल मैंने उबाला था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पेट भी भर गया और अच्छा भी लगा, ना इसमें तेल था ना कुछ भी। आदमी कहता है ना, टेस्ट के लिए खाओ स्वाद मिलता है, पर स्वास्थ्य का सही नहीं, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहता। उबले भुने चीज खूब ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, फायदेमंद होते हैं, है ना। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बस नवरात्र ही समय चल रहा है, सभी लोग पूजा पाठ में सभी लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं। और मैं आप लोगों को रोज़ 9 को, अभी तो यही है कि मैं आप लोगों को रोज़ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गाना सुनाऊंगी देवी मैया के गीत। तो कैसा लगा है आपको मेरे, मैंने 3 दिन सुना, 2 सुनाया आपको, अपलोड किया कल सुनाया और आज भी डाल दिया है छोटा सा वीडियो, और कल भी डालूंगी छोटा सा। तो आप लोग ब्लॉग के साथ साथ इस समय नवरात्रे चल रहे हैं तो उसका एंजॉय भी करिए, देवी जी की सुन लीजिए। तो चलिए ठीक है, हम इसको फ्राई कर लेते हैं ये गोभी, देखिए मेरी फ्राई हो रही है, बना लेते हैं।